definitely we will be glad to see our dear friend his excellency prime minister modi paying a visit to russia russke daure par pahunche videsh mantri s jay shankar ne rashtrapati putin se mulaqat ki hai aaj wo jaake nuclear power plant ki deal karta nazar aa raha hai puri duniya mein openly wo announce karte hain tell him that we want to see him russia we expect him to come although i know that india

और ये ये इनको द वे ही इज टेकन अवे ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वजीर खारजा जो आपकी मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी में जाके बयान करता रहा था। उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो मार पिटवा रहे हो ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा एस शंकर जैसे मिनिस्टर को जो जिस तरह ट्वीट किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को ट्वीट किया जाता है और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर है एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन। उसके पास जो है सिक्स बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान के पास चार बिलियन डॉलर एस पी न्यूज़ नाइन्टी वन में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण बात कही गई है उन्होंने एक मैसेज भेजा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने डियर कह के डियर फ्रेंड कहकर प्रधानमंत्री मोदी जी को संबोधित किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो 2024 में मोदी जी को रसिया आने के लिए इनवाइट करते हैं उन्होंने साथ ही बताया कि जो रसिया और यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी अपडेट भी वो मोदी जी को फ़ोन के द्वारा देते रहते हैं और उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे एडवाइस लेते रहते हैं तो इस तरीके की बात जो कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देखी तो जो रूस के आ, प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन साहब उन्होंने ये बात कही है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मोदी जी में एक अपनी अलग ही बात है वे जहाँ भी जाते हैं अपनी एक अलग ही छाप छोड़कर आते हैं तो दोस्तों इस बात से साफ़ साफ ये पता चलता है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने गहरे हैं और इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी रोटियां सेंक रहा है पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और किस तरीके की बातें कर रहा है क्या रिएक्शन आ रहा है पुतिन की इन बातों का पाकिस्तान की तरफ से तो दोस्तों आइए इस वीडियो को साथ मिलकर देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान में जो ना हो वो कम है ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार बचपन में सर्कस गए हैं आप। आपने देखा है वो जोकर जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है वो मौत का कुआं पाकिस्तान है और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो वहां के सियासतदान है मौत के कुआं मोटरसाइकिल अभी छोटा सा वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है छोटा सा वीडियो देखिए आप आज... मुझे इन्हें तो नहीं सर आई एम सॉरी आज ये देखिए ये क्या ये देखिए कर रहे हैं बोलोगे क्या कर रहे हैं क्या दोस्तों ये जो बुजुर्ग हैं सफेद बाल वाले कुर्ता पजामा पहने हुए हैं इनका नाम है शाह महमूद कुरेशी ये इमरान खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे यही शाह महमूद कुरेशी है दोस्तों जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की जिन्होंने सऊदी अरब से पंगे ले लिए थे कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते बड़ा गुस्सा था इस आदमी में बहुत ज्यादा इस बंदे ने बोला कि जिहाद के लिए हथियार उठाओ इस बंदे ने दुनिया भर को यूनाइटेड नेशन कश्मीर 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 इसने कश्मीर कर कर के कर कर के कर कर के इसने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लेना भूल गया कश्मीर कश्मीर करता था यह इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा ऐसी बेजती हुई है मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये वीडियो एक बार और देखें क्योंकि मजा तो आ ही रहा होगा तो एक बार और देख लीजिए समझ रहे हैं आप किस तरीके से एक फॉरेन मिनिस्टर को फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को भी इमरान खान की कैबिनेट के पुलिस वाले जलील कर रहे हैं धक्का दे के ये जेल से निकला अब जेल से निकला तो इसको ले जा रहे थे शराफत में पुलिस वाले कि बुजुर्ग आदमी है कोई बात नहीं इसकी बेजती मत करो चुपचाप पर ये बिना बेजती करे मानते कहा है पाकिस्तानी जब तक इनको जलील ना करो बेजत ना करो इनका भी खून गर्म नहीं होता तो इनका खून गर्म कैसे हुआ ये पर्चा लेके वहां पे पॉलिटिकल स्पीच देना शुरू उसने बोला तू इधर आ पहले बेटा तू फॉरेन मिनिस्टर बाद में बनना तू इधर आ पहले उसने दिया धक्का मैं बता रहा हूं एक दो लगाए भी होंगे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कोई पाकिस्तानी होगा उससे पूछना जो नॉलेजेबल पाकिस्तानी कम होते हैं लेकिन पूछना फिर भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था उसकी सरकार गिरा दी उसको हवाई जहाज में ले जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह उसको अरेस्ट करके हवाई जहाज ले जा रहे थे परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है उनको ले जा रही थी पाकिस्तानी फौज और उस पूरी टीम पाकिस्तानी फौज का जो हेड था उस वक्त उस टीम का जो जो नवाज शरीफ को ले जा रही थी हवाई जहाज में वो था एक ब्रिगेडियर भाई साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गाल पे थप्पड़ मारा एक ब्रिगेडियर ने एक थप्पड़ मारा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये मैंने पाकिस्तानियों किस से किससे सुने हैं और हो ना हो अगर आप यूट्यूब पर जाए गूगल पर जाए आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था ये इज्जत है इनके सियासतदानों की ये इज्जत है इनके प्रधानमंत्री की ये इज्जत है इनके फॉरेन मिनिस्टर की कोई भी इन पे हाथ साफ करके चला जाता है कोई भी फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर जाते हैं और फिर आम जनता से पूछते हैं सड़क पर पाकिस्तानियों से पूछते हैं ना सड़क पर आपको क्या लग रहा है इंडिया आगे क्यों निकल गया है अगर हम शुरू से अपनी सोच ये रखते हैं कि भाई हमने पैसे लेने हैं नो डाउट लेनेमी बेहतर करनी है लेकिन मांग के नहीं अपना किसी की हेल्प लेके नहीं ट्रेड के साथ रिलेशन बेहतर करके जैसे इंडिया ने देखे वो क्या आज डॉलर उनके पास ज्यादा या हमारे पास अगर जो हमने साइन इसलिए की डॉलर मिलेंगे तो आज डॉलर किसके पास ज्यादा डॉलर की अपने बात कर दी आ, एक है, आ, सनी लियोनी या सनी लियोन उसके पास जो है सिक्स बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान के पास चार बिलियन डॉलर्स हैं और वो चार बिलियन डॉलर्स जो है वो भी हमारे दोस्त मालिक ने हमें दिए हुए हैं तो सनी लियोनी पौन एक्ट्रेस है और एक पौन एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं यहाँ से बंदा था भी है लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना वो सनी लियोनी जहाँ कहीं से भी हो के आ जाए हाँ। उसको चीज से, से मिला हुआ पाकिस्तान में क्योंकि सर्च की जाती है वो ये कहती नजर आती है, है ये कोई नहीं सोच रहा था इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर स्पेशल पार्टनर कहा गया है तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है किसी और की ऐसी इतनी वो मजाले नहीं होती कि जहाँ पर इतने खुल के करे या बात की जाए देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा डेकेट्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे एड्स लेते रहे पैसा आता रहा जंगे लड़ते रहे मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया भाई क्या हो गया ये क्या हो गया तो उसके बाद हमने कहा नहीं अब ऐसा करो अब इससे हट के जो अब हमने दूसरी तरफ जाना फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब तो अब हम चाइना के गुलाम है और वट तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पॉलिसीज बनाए वो हमें इंडिया नजर आता है इंडिया मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर लिया